इनर कॉन्वर्सेशन, वे ऑफ थिंकिंग, एक बार ये होना शुरू हुआ, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? डिस्टर्बेंस यहाँ हो रही है। अब अगर 5 मिनट डिस्टर्बेंस हुई, चली गई, इट्स ओके। लेकिन अगर मेजॉरिटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं, अगर डेली बेसिस पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, या वो हमारा जीवन जीने का तरीका ही बन गया है, तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? बॉडी पर पड़ेगा। क्यों बॉडी पर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ का असर सबसे पहले यहाँ पड़ने वाला है। दूसरा कहाँ पर असर पड़ेगा? लोगों पर असर पड़ेगा। इसका मतलब रिश्तों पर असर पड़ जाएगा। तो व्हाट आई एम फीलिंग इनसाइड, माय बॉडी विल गेट क्रिएटेड दैट वे, माय रिलेशनशिप्स विल गेट क्रिएटेड दैट वे। उसका हमारे काम पर असर पड़ेगा, हमारे काम पर असर पड़ेगा। क्या उसका हमारी दुनिया पर असर पड़ेगा? हमारी दुनिया पर असर पड़ेगा। सो इमोशनल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ, इज इक्वल टू सोशल हेल्थ, इज इक्वल टू एनवायरमेंटल हेल्थ, इज इक्वल टू प्रोफेशनल हेल्थ, विल बी इक्वल टू फाइनेंशियल हेल्थ। तो वो इम्पोर्टेंट है ना, इमोशनल हेल्थ इम्पोर्टेंट है या नहीं है? जो यहाँ स्टेबल रहेगा, इवन अगर बात क्राइसिस है, इवन अगर बात ऐसी है जो ठीक ही नहीं हो सकती है, लेकिन वो स्टेबल है, तो नुकसान कहाँ तक रहेगा? नुकसान कहाँ तक रहेगा? सपोज किसी की जॉब चली गई, सपोज किसी का बिजनेस पूरा फिनिश हो गया, इतना फिनिश हो गया कि अभी कुछ नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन नुकसान कहाँ तक रखना है? वहां तक रखना है। लेकिन अगर वो नुकसान वहां का यहां हो गया, फिर यहां नुकसान, फिर यहां नुकसान, फिर लोगों के साथ नुकसान, और इतने नुकसान होने के बाद वो वाले नुकसान को ठीक करने की ताकत खत्म। आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल, द आउटसाइड वर्ल्ड इज नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या? जीवन हमारे सामने क्या लेकर आता है? नॉट इन आवर कंट्रोल। जीवन हमारे सामने क्या लेकर आता है? नॉट इन आवर कंट्रोल। हम उस बात को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? वो टोटली इन माई कंट्रोल। हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन वॉट लाइफ ब्रिंग्स टू मी, और हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन हाउ आई रिस्पॉन्ड टू वॉट लाइफ ब्रिंग्स टू मी। हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन वॉट लाइफ ब्रिंग्स टू मी, और हैप्पीनेस विल डिपेंड ऑन हाउ आई रिस्पॉन्ड टू वॉट लाइफ ब्रिंग्स टू मी। सो इट देन डिपेंड्स ऑन मी। इफ हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मी, देन हेल्थ डिपेंड्स ऑन मी, देन रिलेशनशिप्स डिपेंड ऑन मी, देन वर्क डिपेंड्स ऑन मी, द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन मी। हाउ मच टाइम एम आई टेकिंग केयर ऑफ दैट मी? तो एनर्जी की जो इक्वेशन है वो है इनसाइड से आउटसाइड, कि यहां से इसको हम कहेंगे द सीड ऑफ योर लाइफ। ये बीज है, उस बीज से क्या निकलने वाला है? हमारे जीवन का वृक्ष। अगर बीज हेल्दी, सीड इज हेल्दी, एंड देन वी आर नरिशिंग द सीड डेली। वन, द सीड शुड बी हेल्दी, एंड सेकेंड, द सीड हैज टू बी वॉटर्ड डेली। द ट्री विल बी हेल्दी, द फ्रूट्स विल बी, द फ्लावर्स विल बी ब्यूटिफुल। अब लेकिन सीड की हेल्थ का ध्यान नहीं, 7, 6, 5, 4 बहुत हेल्दी सीड नहीं है ना, और फिर उसके बाद रोज उसको पानी भी नहीं। एवरेज सीड भी हो ना, रोज पानी दें तो कमाल क्रिएट कर देगी। लेकिन 10 पे भी सीड हो ना, 10 पे, लेकिन रोज पानी नहीं दिया, तो ट्री क्या हो जाएगा? सो वी हैव टू रिमेंबर वेयर इज द सीड एंड वेयर इज द ट्री। हमने छोटी सी इक्वेशन क्या की, हमने कहा जब ट्री हेल्दी होगी ना, तब ये सीड हैप्पी हो जाएगा।
तो हम पिछले कुछ सालों से अपनी ट्री पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बिस्लरी पानी पीते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, हम जिम जाते हैं। पहले हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कुछ नहीं ऐसा करते थे, लेकिन उनका सीड हमारी सीड से थोड़ा ज्यादा हेल्दी था। हेल्दी था या नहीं हेल्दी था, है ना? तो वी आर एबल टू सी दैट डिस्टिंक्ट डिफरेंस। अब पिछले 20-30 इयर्स में क्या हुआ, सडनली अ लॉट हैपेंड आउटसाइड एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड दैट लॉट वॉज वेरी गुड, वो सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन हम उस अच्छे को देखकर इतने आकर्षित हो गए, इतने उसमें बिजी हो गए कि हमने कहा सीड को पानी देने का तो, सीड को पानी देने का तो टाइम ही नहीं है। जैसे ही सीड को पानी देना बंद किया तो धीरे धीरे ट्री क्या होने लगी, ट्री क्या होने लगी। आज सोचो, सुविधाएं ज्यादा, फैसिलिटीज ज्यादा, कंफर्ट्स ज्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी, फिर भी हेल्थ में प्रॉब्लम, रिश्तों में प्रॉब्लम, और सृष्टि का तो हम जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। जब हमें इतना कुछ अच्छा मिला, जब हमें इतना कुछ अच्छा मिला, तो हमारी लाइफ पहली जेनरेशन से कैसी होनी चाहिए थी, बेटर होनी चाहिए थी। वी शुड बी हैविंग अ बेटर क्वालिटी लाइफ देन आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आज हम कहते हैं हाँ हाँ, आजकल के जो इलाज हैं वो पहले नहीं होते थे। हाँ, नहीं होते थे, लेकिन आजकल की जो बीमारियां हैं वो भी पहले नहीं होती थी। तो अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है कि आपको कितनी भी बीमारी हो जाए, इलाज हर चीज का है। लेकिन वी नेवर पॉज टू चेक कि डायबिटीज कितना बढ़ गया, कैंसर कितना बढ़ गया, बच्चों के अंदर हो गया, डिप्रेशन कितना बढ़ गया, दैट वी आर नॉट चेकिंग। सो वी थॉट हमारे पास फैसिलिटीज बहुत आ गई हैं आजकल, लेकिन वो ट्री का ध्यान रखते रखते सीड के लिए टाइम नहीं निकाला, दैट ट्री हैज स्टार्टेड शोइंग इट्स इफेक्ट नाउ। तो अगर पेड़ थोड़ा सा भी मुरझाने लगे तो इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए, अपने घर में ही देख लो, पौधा है, आप 3 दिन कहीं चले गए ताला लगा के, आपके पौधे को किसी ने पानी नहीं दिया, तो 3रे दिन तक वो पौधा थोड़ा सा क्या साइन दिखाएगा ऐसा, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, पानी देना है। लेकिन जिसने वो 3रे दिन भी कहा ना कि मुझे पानी देने का टाइम नहीं है, तो वो पौधा फिर साइन दिखाना शुरू कर देगा। व्हाट इज द साइंस दैट आर ट्री इज गेटिंग अफेक्टेड, आर मेंटल हेल्थ, आर इमोशनल हेल्थ, आर फिजिकल हेल्थ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रिलेशनशिप्स। एंड सबसे ज्यादा असर अगर आपको देखना है आपके ट्री का, तो वो आपके फ्रूट्स पर है, मतलब आपके बच्चे, वो आपके वृक्ष के फल हैं। वो बच्चों पर डायरेक्ट असर ये देखो कि उन बच्चों की इमोशनल हेल्थ कितनी आज। अगर अपनी ट्री को पानी दे दिया तो वो जो बच्चे हैं ना, उनकी इमोशनल हेल्थ भी बढ़ जाएगी।